यहाँ से इसकी टाइप को चेंज कर दो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम। अगर मैं इसको लास्ट आइकन में करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, सेम ऑप्शन यहाँ पे है। अगर आप इसको यहाँ से बैक कर सकते हो, और इसको क्या बोलते हैं, इसको टूल बार नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, मोस्टली एड्रेस बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। शायद आपके पास कोई वर्ड है तो मुझे बता दो, क्योंकि ये एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए हम एड्रेस बार बोल देंगे, या फिर आप जो आपके लिए सही लगता है, बट एक्चुअल में एड्रेस बार ही होता है, एड्रेस, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, या से भी क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पे मेरे पास में कुछ भी नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड, इसलिए यहाँ पे लिस्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा VLC, मैंने यहाँ पे VLC को डबल क्लिक किया। अच्छा, ये तो आपको पता होगा ना कि विंडोज़ के अंदर सिर्फ EXE फाइल ही ओपन होती है, इंस्टॉल होती है। विंडोज़ के अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन वैसे नॉर्मल जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट हम नॉर्मल सबको क्या बोलते हैं, कॉमन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा EXE फाइल जिसकी भी होगी वो रन करेगी आपकी विंडोज पे। अब आपको कैसे पता लगेगा, पहला आइकन तो ये कि आपके पास में ये जो आइकन है ना छोटा डॉट, इससे आइडेंटिफाई हो जाता है। सेकेंड, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, टाइप ऑफ फाइल, एप्लीकेशन, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डॉट EXE। अब सिस्टम के अंदर आप कोई सी भी फाइल ओपन करके देख लेना, हर किसी की एक एक्सटेंशन मिलेगी, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, हर किसी की एक यूनिक आपकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन उस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये EXE फाइल है, इसलिए मैं क्या करूंगा, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो। आपका सिस्टम दो तरह से काम कर सकता है, आपका माउस डबल क्लिक पे भी काम करेगा और सिंगल क्लिक पे भी काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में दोनों ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर, कि आप अपने माउस को आप हैंडल कर सकते हो, कि आपके पास में वो डबल क्लिक से आपको काम कराना है या सिंगल क्लिक से। सिंगल क्लिक से एक डिसएडवांटेज होता है, वो ये कि आप गलती से अपने पॉइंटर को लेके जा रहे हो ना साइड में, और आपने एक बार क्लिक कर दिया तो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप अगर क्लिक भी करोगे, आप मूव भी करोगे पॉइंटर को, तो एक ही बार गलती से क्लिक होगा, दो बार नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस पर दो बार क्लिक करूंगा, या फिर एक बार तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, और दूसरी बार राइट क्लिक भी दबा सकता हूँ बटन का, आपके माउस का। आपके माउस में वैसे तीन बटन है, और आपके हाथों की तरह है, जैसे आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, आप सभी का लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये तो जो आप माउस है आपका, माउस में जो इधर का बटन है ना वो लेफ्ट है, और जो राइट साइड में इधर की साइड में जो राइट है। अब दोनों का यूज अलग अलग है। लेफ्ट बटन बेसिकली किसी चीज को सिलेक्ट करने के काम आता है, ठीक है, और राइट बटन जो होता है वो जो आपने सेलेक्ट किया है उस पर कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, उसे दूसरे तरीके से ओपन करना चाहते हो, क्या उस पर आप क्या क्या करना चाहते हो, वो चीज़ के ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा लेफ्ट बटन, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये आगे की कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा और दूसरी बार राइट क्लिक करूंगा तो इसने मुझे बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। क्या क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो तो ओपन का भी ऑप्शन है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में से इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो या फिर इसे टास्क बार पे लेके आना चाहते हो, या फिर किसी को सेंड करना चाहते हो, ठीक है, या फिर इसे कट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, मतलब राइट क्लिक के जो ऑप्शन है आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है राइट बटन,
कि आप इस फाइल के साथ में क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने इसे डबल क्लिक किया, यस किया कि हाँ मैं कॉन्फ़िगरेशन अपने सिस्टम में करना चाहता हूँ। लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो, बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑफ इंडिया में तो मोस्टली इंग्लिश यूज होती है, बाकी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्या करना है, ओके। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल होता है, वो आपके स्टेप पहले से दे देता है, क्योंकि जो डेवलपिंग करता है उसके माइंड में यही रहता है कि उसको हर कोई बताने नहीं जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन की जब आप इंस्टॉलेशन करते हो बटन से ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है। अगर आप इतनी फेमिलियर नहीं हो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आपको ढंग से समझ में आता है, तो आप इजीली इस गाइड के थ्रू आप उस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। फिर से नेक्स्ट किया मैंने। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर एक एप्लीकेशन की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर आप उनको एक्सेप्ट करोगे तो ही आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या मोस्टली इतना टाइम हर किसी के पास में होता नहीं है, जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आंखें बंद करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप अगर कोई ऐसा इश्यू आता है तो आप उन पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले लिखा होगा, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी होती हैं कि उनको पढ़ने कोई नहीं बैठता। थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद में सिंपल नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ से इसे कस्टम भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने मिनिमम टूल आप प्लगइन यूज़ करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे अभी देखो वेब प्लगइन है, उस पर काम करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से खुद से भी कर सकते हो। फुल करना चाहते हो तो ये हर जगह काम करेगा आपका वीएल से। ठीक है, तो मैं भी कस्टम रहने देता हूँ। नेक्स्ट किया, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे विंडो के, जो आपकी विंडो किस में इंस्टॉल होती है, सी में, इसका भी रीजन है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो सी में इंस्टॉल होगी, अगर आपके पास में दो विंडो है तो दोनों सी में होंगी, नहीं। आपने कभी देखा है कि किसी किसी के सिस्टम में दो या तीन विंडो होती है? होती है ना, वो मैटर करता है आपकी ड्राइव पे, आपने कौन सी ड्राइव में कौन सी विंडो का यूज किया है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप जब आप विंडो आपके सिस्टम में दो है, मान लो विंडो 7 एक है मेरे एक पार्टीशन में, दूसरे पार्टीशन में विंडो 8 है मेरे पास में। ठीक है, मैंने दोनों विंडो इंस्टॉल की, अब मैं आपको ये पार्टीशन का खेल है, वो आपको जो विंडो इंस्टॉलेशन होगी ना मैं आपको तब बताऊंगा, हो सकता है आप में से किसी को पता हो, आप में से बहुत को पता होगा शायद, और आप में से किसी को नहीं पता होगा, वहां पे मैं आपको ये गेम भी बताऊंगा मल्टीप्लाई 86 का, आपको तो आइडिया होगा है। ठीक है, और किसी को आइडिया है इसका? आपके पास में दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं या एप्लीकेशन होते हैं, आपने सुना होगा 32 बिट या 64 बिट, पता है ना, वो यही गेम होता है। 64 बिट होता है कि उस विंडो पे आपकी जो विंडो है वो आपके लोअर वर्जन को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन आप 86 की विंडो यूज कर रहे हो, मतलब 32 बिट की विंडो आप यूज कर रहे हो, और आप उस पे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो 64 बिट के एप्लीकेशन को, तो वो रिकमेंडेशन नहीं देती है आपको कि आप ऐसा अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो 64 पे ही जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो पहले से डिफाइंड होते हैं एप्लीकेशन वो उनको ईजिली यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन है जो एक कंपनी बहुत पहले से यूज कर रही है, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ किसके लिए बना हुआ है, 32 के लिए बना हुआ है। ठीक है, बट उनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट के हैं, तो अब तक तो काम सही है, लेकिन उन्होंने जैसे उसे अपग्रेड कर दिया, उस एप्लीकेशन को 64 में कन्वर्ट कर दिया, तो उनको भी फिर विंडो भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 64 बिट की अब मान लीजिए अगर ये प्रोग्राम फाइल्स मल्टीप्लाई 86 आ रहा है, ये पूरा इसका प्रॉपर लोकेशन है, ऐसे हम नॉर्मल याद नहीं कर पाते इन चीज़ों को। ठीक है, तो C-backslash प्रोग्राम फाइल्स मल्टीप्लाई 86 इस नाम से इस फोल्डर के अंदर ये नाम होगा इसका VLC, ये पूरा बात है इसका कि यहाँ पे इस लोकेशन पे जाके ये इंस्टॉल होगा। ठीक है,
तो नॉर्मल क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिकेशन में दिखा रहा था ना कि विंडो मीडिया प्लेयर में, ठीक है, और वीएलसी में फर्क क्या है, वो शायद आपको आज ढंग से पता लग जाएगा। जितना मुझे आता है मैं आपको उतना गाइड कर दूंगा। अगर आप सेम टाइम पे से रन करना चाहते हो तो इस चेक बॉक्स को लगे रहने दें, अदरवाइज आप खुद से हटाना चाहते हो, मतलब जब आप चाहो तब रन करना है, तो इसको यहाँ से अनचेक कर दें और फिर फिनिश। तो ये शॉर्टकट बन के आ गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको